के बाद अब कहां निवेश से बनेगा पैसा, ये सब जानेंगे हमारी खास पेशकश रिजल्ट सीजन का रिजल्ट में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन, जो बताएंगे नतीजों के बाद अब क्या किया जाए, कहां निवेश करें। और साथ ही मेरे सहयोगी देवांशी आश्र, आशीष चतुर्वेदी, दीपांशु भंडारी और सृष्टि शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो बताएंगे सेक्टर्स का क्या हाल है। शुरुआत संदीप जी आपसे करेंगे, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये बताइए कि Q1 के नतीजों के मुकाबले दूसरी तिमाही के नतीजे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए Q1 के मुकाबले के नतीजों के मुकाबले Q2 इसीलिए बेहतर है क्योंकि टैक्स कट का इम्पैक्ट पॉजिटिव दिखा है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वार्टर में जिस तरीके से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आए थे उसका एक इम्पैक्ट दिखा है कई सारी कंपनियों के रिजल्ट्स में। बट ओवरऑल आई फील कि आने वाले क्वार्टर्स बेहतर होने चाहिए जिस तरीके के सरकार के मेजर्स है। सो मेरे हिसाब से मार्केट हमेशा आगे के रिजल्ट्स के ऊपर ज्यादा चलता है, सो इसलिए मार्केट ब्यूएंट भी है। फिर भी लार्ज कैप्स कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अभी भी वो ब्रॉड बेस रैली देखने को बाकी है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से मार्केट्स में मुझे ठीक ही लगता आने वाले दिन। बिल्कुल, चलिए एक एक करके तमाम सेक्टर्स के नतीजे कैसे रहे, सेक्टर्स का हाल क्या है, और अब नतीजे आने के बाद इन सेक्टर्स में कौन सी कंपनियां हैं जिन पर निवेश का नजरिया बनाया जा सकते हैं, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत पहले ये जानकर कर लेते कि निफ्टी की जो तमाम कंपनियां हैं उसके नतीजों का हाल कैसा रहा। दीपांशु बताएंगे, मैं दीपांशु बताएं निफ्टी की तमाम कंपनियां नतीजे कैसे पेश किए इस बार? अच्छे रहे हैं या फिर अनुमान मुताबिक रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। काफी कंपनियों के इनफैक्ट नतीजे अच्छे ही रहे हैं। दो तीन वजह हैं इसके लिए। एक तो 2 साल के बाद हमें अच्छे नतीजों का एक छोटा सा दौर देखने को मिल रहा है, और वजह इसकी यह है कि एक तो लो बेस हो गया क्योंकि पिछले 2 साल में नतीजे अच्छे नहीं रहे। दूसरा, कामकाजी तौर पर भी नतीजे अच्छे रहे हैं इस बार, जो कि पिछले 3-4 तिमाहियों में देखने को नहीं मिला था। कहीं जगह लागत खर्च कम हुए हैं उसकी वजह से हुआ है, कुछ बैंकों के कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हुए हैं उसकी वजह से हुआ है, और कुछ जगह मार्केट शेयर गेन्स हुए हैं। तो इन 3 फैक्टर्स को अगर आप मिलाएंगे तो निफ्टी कंपनीज के अर्निंग्स या तो अनुमान मुताबिक रहे या बेहतर रहे हैं। कुछ कंपनीज की अगर बात करें तो उनमें मुनाफा डबल डिजिट्स में भी ग्रो करने को हमें दिखा है। अगर सिलेक्ट कंपनीज की बात करें तो बैंक्स के बारे में देवांशी वैसे ज्यादा डिटेल्स में बताएंगी, पर कुछ लार्ज कैप बैंक्स के नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं। साथ ही अगर आप देखें तो बजाज ऑटो, ऑटो स्पेस से अच्छे नंबर्स आए हैं, वहां पर HCL टेक्नोलॉजीज और विप्रो के भी अच्छे नंबर्स आए हैं। जहां तक IT का सवाल है, कंजम्पशन में ज्यादातर अनुमान मुताबिक ही नंबर्स रहे, वैसे भी एक्सपेक्टेशंस कम थी। HUL ITC के नंबर्स अनुमान मुताबिक थे, वहीं L&T के नंबर्स भी अनुमान मुताबिक थे। TCS एक ऐसी कंपनी है जहां पे नतीजों से थोड़ी कमजोरी देखने को मिली थी। चलिए, तो बिल्कुल बेहतर नतीजे वैसे कंपनी ने पेश किए, लेकिन आप सेक्टर से शुरुआत करते हैं। और किसी भी देश के डेवलपमेंट ग्राफ को अगर समझना हो तो उस देश के बैंकिंग सिस्टम को समझ लिया जाए। जितना दुरुस्त किसी देश का बैंकिंग सिस्टम उतना ही डेवलपमेंट ग्राफ भी बेहतर होता है। बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा बताने के लिए देवांशी हमारे साथ। देवांशी, बैंकिंग स्टॉक्स NBFCs के नतीजे इस तिमाही कैसे रहे? बिल्कुल, आप देखिए फाइनेंशियल्स से इस बार बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हुई नहीं दिखी। इनफैक्ट आप देखिए इस बार अगर हम पूरे फाइनेंशियल्स की बात करें, एक तो जो सरकारी बैंक है वो हाईलाइट में रहे, क्योंकि काफी तिमाही के बाद हमने देखा कि जो सरकारी बैंक है उसके नतीजे निजी बैंक से काफी ज्यादा बेहतर आते हुए दिखे। उसकी 2 वजह रही, सबसे पहले तो असेट क्वालिटी में काफी ज्यादा सुधार आता हुआ दिखा है सरकारी बैंक, और साथ ही जो लोन ग्रोथ है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है। SBI की अगर हम बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा, और साथ ही आप देखिए जो प्रोविजन्स हैं वहां से काफी ज्यादा मुनाफे को सहारा मिलता हुआ दिखा है। इस बार प्रोविजन्स कम होते हुए दिखे सरकारी बैंक्स के, और इसके चलते भी जो ओवरऑल मुनाफा है वो काफी बेहतर रहा। अब NBFCs की बात करें तो NBFCs में भी इस बार काफी ज्यादा जो सुधार है वो देखने मिल रहा था। जो लिक्विडिटी की चिंता है वो धीरे धीरे कम होती हुई दिख रही है, और लोन ग्रोथ हल्की हल्की बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती हुई नहीं दिखी है, क्योंकि अभी भी मांग में थोड़ी सी कमी है, अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा धीमापन है। बैंक्स, निजी बैंक्स की अगर हम बात करें तो इस बार जो परफॉर्मेंस है लार्ज बैंक्स का काफी ज्यादा सुधरता हुआ। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक जहां पे काफी ज्यादा दिक्कतें थी, इन दोनों बैंक्स ने बहुत ज्यादा अच्छा कमेंट्री भी अच्छी दी है, और साथ ही जो नंबर्स हैं वो थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे। यस बैंक ने काफी ज्यादा निराश किया है। ओके, तो क्लियरली बैंक्स और NBFCs की अगर बात करें तो ग्रोथ तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन संदीप जी आप पिछली तिमाही या इस तिमाही ही ये कह सकते हैं कि काफी सारे रेगुलेशंस थे, काफी सारे चेंजेस थे जो इस सेक्टर ने देखे, नतीजों को देखते हुए आपकी टॉपिक बैंक्स और NBFCs में क्या होगी? बिल्कुल, देखिए ये सेक्टर सर्टनली काफी रेगुलेशंस के दौर से गुजर रहा, और जिस तरीके से आज भी एक बहुत बड़ा फैसला बैंक्स के फेवर में आया, जो COC के फेवर में आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो मुझे लगता है कि SBI सर्टनली, देखिए आज बहुत बड़ा मूव एक ऑलरेडी दे चुका है, तो SBI है, कुछ PSU बैंक, इंडियन बैंक है, कैनरा बैंक है, ये अच्छा कर रही है, और इवन BOB भी काफी करेक्शन दे चुका, तो वहां पर भी ध्यान दे।
बाकी एचडीएफसी ट्विंस और बजाज ट्विंस हमेशा से सदाबहार रहेंगे, उनके रिजल्ट्स अच्छे भी और क्वालिटी भी मेंटेन की है। फिर भी टॉप पिक जो मेरी है वो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है, जो कि मैंने पिछले कुछ दिनों में दो तीन बार चैनल पे बात की अपने, और आज भी मैं यही कहूंगा कि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के जो रिजल्ट्स थे वो बेहतरीन, और कई सालों से जबरदस्त ग्रोथ ये स्टॉक दिखा रहा है, और आज इनफैक्ट ये अच्छा खासा चला हुआ भी है स्टॉक, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये 880 तक का टारगेट चलिए। तो बिल्कुल क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में आज के सत्र में भी अच्छी खासी तेजी हम देख रहे हैं, यहां से भी खरीदारी के मौके बन रहे हैं। 880 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यहां पर आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। अगला जो सेक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस सेक्टर के बिक्री के आंकड़ों ने सेक्टर को काफी हद तक परेशान किया है। बात हम कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की, और इससे जुड़ी तमाम डिटेल्स दीपांशु के पास है। दीपांशु, ऑटोमोबाइल सेक्टर और उससे जुड़े बिक्री के आंकड़े, रिजल्ट्स का ट्रेंड पिछले तिमाही हमने देखा ही है, इस तिमाही कैसा रुझान रहा? इस तिमाही भी कमजोरी रहा, माहौल उतना अच्छा नहीं रहा है। एक स्टॉक है जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो है बजाज ऑटो। उसमें तकरीबन 22% मुनाफे में बढ़त हमें जरूर देखने को मिली और बिक्री में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, पर अगर आप बजाज ऑटो को हटा दें तो फिर बाकी कंपनीज के नतीजे उतने अच्छे नहीं थे। पर हाँ, ये कहना बहुत जरूरी है कि यहां पर कि अनुमान भी उतने अच्छे नहीं थे, तो अनुमान मुताबिक बल्कि नतीजे बेहतर ही थे, पर वैसे काफी कमजोर नतीजे थे। एक यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो बिक्री है उसमें ज्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली, और ये पिछले दो तिमाही से वही ट्रेंड रहा है, और इस तिमाही भी वो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। पर हाँ, लागत खर्च कम होने की वजह से मार्जिन्स में थोड़ा सुधार देखने को मिला है, कुछ सहारा भी मिला है कुछ कंपनीज को। कंपनीज वैसे भी अपनी इन्वेंट्रीज थोड़ी कम कर रही हैं और ज्यादा छूट दे रही हैं, तो उसके चलते चलते जो आय है उसमें कुछ बढ़त देखने को नहीं मिली है, पर साथ में एक्सपोर्ट्स की वजह से एक या दो कंपनीज को थोड़ा सहारा जरूर मिला है। इस बार देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या गाइडेंस आती है, क्योंकि गाइडेंस भी उतनी अच्छी नहीं रही है। फेस्टिव सीजन में सेल्स थोड़ी वैसे देखने को मिली, पर उसके बाद सेल्स पिकअप होगा कि नहीं, और जो उत्पादन घटाने का ट्रेंड है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा, काफी सारे नतीजे अनुमान मुताबिक या अनुमान से बेहतर है। बजाज ऑटो बेस्ट था, टाटा मोटर्स से भी अच्छे नतीजे हमें देखने को मिले, वहीं आइशर मोटर्स, एस्कॉर्ट्स और हीरो मोटो भी अनुमान से थोड़े बेहतर थे। महिंद्रा और मारुति के नंबर्स अनुमान मुताबिक ही रहे। बिल्कुल, तो चलिए, प्रोडक्शन कट का अभी भी ट्रेंड जारी है, और साथ ही सेल्स पिकअप कब होगा एक बड़ा सवाल है। संदीप जी, आप कैसे देखते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को? हालांकि त्योहारी सीजन एक बीत चुका है, इस तिमाही दिवाली वगैरह हमने देखा है, और उसका इम्पैक्ट आने वाले तिमाही के नतीजों में बिल्कुल देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरी तिमाही के नतीजों को और ऑटो स्पेस को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बहुत सही कहा। पिछले कई क्वार्टर से ये सेक्टर निराश कर रहा है, और जिस तरीके से फेस्टिव डिमांड थी और उस महीनों में कुछ पॉजिटिविटी दिखी और वो अक्टूबर में आएगा, तो आने वाले क्वार्टर्स फिर भी ठीक रह सकते हैं। बट ओवरऑल मेरी राय यही रहेगी कि इस सेक्टर पे बहुत ज्यादा बेरिश ना रहे, कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिख रहा है। बजाज ऑटो जो कि एक आउट परफॉर्मर है, जिसके एक्सपोर्ट डिमांड भी रहती है, और प्लस डोमेस्टिकली भी वो लोग काफी एग्रेसिवली प्राइस कट या ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई किए थे, जिसका बेनिफिट रिजल्ट्स में दिख रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो एंसिलरीज को भी ध्यान दें, और आज स्क्रैपेज पॉलिसी है उसकी वजह से भी काफी ये सेक्टर आगे आने वाले दिनों में सुर्खियों में रह सकता है, और ईवी वगैरह सारी न्यूज है। बट फिर भी मेरी राय यही रहेगी कि बजाज ऑटो और हीरो मोटो को आप दोनों को देखें, और एक रिको ऑटो जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगता है, वहां पे रिजल्ट अच्छा है ऑटो इंसिलरी में, वहां पे फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं, और बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है, तो मुझे लगता है कि ये 44-45 के लगभग है, आने वाले दिनों में 60-65 रुपए के लेवल से स्टॉक दिखा सकता है। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर तीन स्टॉक सुझाए गए हैं, बजाज ऑटो आपको बता दें, साथ ही हीरो मोटोकॉर्प और रिको ऑटो, इन पर आपको नजर रखी है। ऑटोमोबाइल स्पेस से जुड़ी काफी सारे अनाउंसमेंट्स हैं जो कि आने हैं, पिछले दिनों भी कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं जिसका असर हम देख भी रहे हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि सेक्टर अपने आप को संभालने की कोशिश भी करें, लेकिन इस तिमाही जो नतीजे हैं उन्होंने निराश किया है। अगला जो सेक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सेक्टर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है ग्लोबल बाजार के संकेतों से, बात हम कर रहे हैं मेटल सेक्टर की, और इससे जुड़ी सारी जानकारी लेकर आशीष हमारे साथ मौजूद है। आशीष, बताएं मेटल सेक्टर का परफॉर्मेंस इस तिमाही कैसा रहा? निराशाजनक ही रहा। देखिए कि दरअसल वैश्विक मंदी के कारण और जो ट्रेड वॉर जैसे आपने बताया, उसका एक काफी खराब असर देखने को मिला मेटल सेक्टर पे। पिछले साल के मुकाबले आप देखें तो फेरस नॉन फेरस दोनों ही मेटल सेगमेंट्स में काफी गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते हमने देखा कि कंपनी का रियलाइजेशन घटे हैं, मुनाफे पर काफी डेंट पड़ा, तो ऑपरेशनली सभी के नतीजे जो है काफी खराब देखने को मिले। लेकिन टैक्स की दर में जो कटौती हुई है उसका सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिला टाटा स्टील और वेदांता में। लेकिन आप नालको और सेल, इनके नतीजे देखें तो काफी खराब थे, ये मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। और माइनिंग स्पेस में सिर्फ एक कोल इंडिया ऐसे जिसने ठीक ठाक नतीजे पेश किए, बाकी सभी की तरफ से निराशाजनक नतीजे देखने को मिले। बिल्कुल संदीप जी, ट्रेड वार्ता के चलते मेटल्स की कीमतों में लगातार असर हमने देखा भी है, ट्रेड टॉक्स तो अब भी जारी है, मेटल सेक्टर पर रिएक्शंस कैसे देख रहे हैं आप?
हाँ देखिए, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए और ओवरऑल भी मैं बुलिश नहीं रहता हूँ इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर, क्योंकि कमोडिटी ओरिएंटेड स्टॉक्स है। बट फिर भी यहाँ पे जो अलग टाइप के जो मेटल स्टॉक्स है, जो माइनिंग में है, जैसे कि मैंने एनएमडीसी के बारे में बहुत बार बोला हुआ है, मॉइल के बारे में बोला हुआ है, बट मुझे समाओ एक स्टॉक जो और अच्छा लग रहा है, जिसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन थे, वो है मिधानी, मतलब मिश्र धातु निगम, बेहतरीन स्टॉक है। और मुझे लगता है कि इन लेवल से आराम से 250 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में दिखाएगी। और इस क्वार्टर में देखिए, पिछले सितंबर 2018 वाले क्वार्टर में इसके 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट्स था और इस बार ये 36 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स थे। तो ओवरऑल बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स है और टैक्स कट और इन सब का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, आने वाले क्वार्टर्स में भी दिखेगा वो चीज। तो मेरे हिसाब से मिश्र धातु निगम के साथ। चलिए, तो बिल्कुल लगातार अच्छे नतीजों के दम पर मिश्र धातु में अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं, फंडामेंटल्स भी बेहतर है, आने वाले दिनों में भी यहाँ पर तेजी की पूरी गुंजाइश है। 250 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मेटल स्पेस में आप खरीदारी का मन बनाकर मिश्र धातु में चल सकते हैं। अगला सेक्टर जो हम बात करने जा रहे हैं, उस सेक्टर ने पिछले 3 क्वार्टर्स से एक मुनाफे का ट्रेंड या कह सकते हैं कि ग्रोथ की रफ्तार पकड़ी है। सेक्टर है सीमेंट स्पेस और इससे जुड़ी सारी जानकारी सृष्टि के पास है। सृष्टि, बताएं, इस तिमाही सीमेंट सेक्टर पिछली तिमाही की तरह ही बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है? जी मानसी, तो इस तिमाही सीमेंट सेक्टर के लिए काफी अच्छा रहा, ग्रासिम को छोड़ के बाकी सभी कंपनियों के लिए काफी अच्छा सेक्टर इस बार रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उनका कच्चे माल यानी कि कोयला और पेट केम की कीमतों में करीब 27% की गिरावट जो देखी गई, उससे कंपनियों को काफी फायदा हुआ। और साथ ही जो उनका कीमतों में 7% की बढ़त देखी गई, जिससे कि रियलाइजेशन में काफी सुधार देखा गया। तो दोनों ही फैक्टर्स ये सारी सीमेंट कंपनीज के लिए काफी अच्छे रहे। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो वहां पे डीजल की कीमतों में जो 6% की गिरावट देखी गई, उसकी वजह से जो है इन सारी कंपनियों को फायदा हुआ। और साथ ही सरकार का भी फोकस जो सीमेंट सेक्टर पर शिफ्ट हुआ, वो एक काफी पॉजिटिव फैक्टर था। और ब्रोकरेज के रिडार्स पे भी ये कंपनी हाल ही में आई, क्योंकि मैक्वायरी ने इस पे इनिशिएट करा है कवरेज और काफी अच्छे टारगेट्स दिए हैं सारी कंपनीज में। अब देखिए, अल्ट्राटेक, अंबुजा, श्री सीमेंट एंड जेके लक्ष्मी सीमेंट, इन सभी कंपनीज ने अनुमान से काफी बेहतर नतीजे पेश किए। और वहीं इंडिया सीमेंट्स, एसीसी और हिडलबर्ग सीमेंट के जो नतीजे थे वो फ्लैट रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ ग्रासिम ही ऐसी कंपनी थी जिसने इस तिमाही निराश किया। बिल्कुल संदीप जी, 2-3 चीजें हैं जब सीमेंट स्पेस की हम बात करें, एक तो डिमांड, दूसरा प्राइसेस और तीसरा सरकार रियल एस्टेट सेक्टर पर जो फोकस कर रही है, इसका एक स्ट्रेट बेनिफिशियरी सीमेंट सेक्टर भी बनता हुआ दिख रहा है। इस तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं, एक कंपनी को छोड़कर तमाम कंपनियों ने नतीजे बेहतर ही पोस्ट किए हैं। क्या लगता है, अब आपको सीमेंट सेक्टर पीछे मुड़कर नहीं देखेगा? देखिए, ये सेक्टर काफी रिटेल प्राइसेस के ऊपर जैसे डिपेंडेंट रहता है और वहां पे काफी वॉलिटिलिटी रहती है रिटेल प्राइसेस में, मार्केट्स में। बट रियलाइजेशन काफी अच्छे रहे हैं कुछ दिनों से, नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली और बीच में साउथ इंडिया में ठीक हुआ, सो ये चलते रहता है। बट मेरी राय यही रहेगी कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स है, चॉइस बहुत बड़ी है, अल्ट्राटेक हमेशा बेस्ट चॉइस रहती है। बट फिर मैं हाइडलबर्ग सीमेंट की बात करूंगा, मुझे ये स्टॉक अब वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता लगने लगा है और मल्टीनेशनल कंपनी है, डिविडेंड यील्ड बेहतरीन देती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेहतरीन है, डेट्स भी छोटा है, ठीक है, 0.32 का डेट इक्विटी रेशियो है। और पिछले कई सालों से प्रॉफिट की अगर ग्रोथ देखे, पिछले 3 साल का कैगर तो वो करीब 80% का है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। तो मेरे हिसाब से हेडलबर्ग सीमेंट पे ध्यान दे और आने वाले कुछ दिनों में ये हो सकता है कि 200 प्लस के फिगर्स, 250 तक के टारगेट्स। ठीक है, तो सीमेंट स्पेस में एक एक्सपर्ट संदीप जी की तरफ से राय है, हेडलबर्ग सीमेंट पर आप निवेश का नजरिया बनाकर चल सकते हैं। अच्छे रिटर्न ये कंपनी पिछले दिनों भी दे चुकी है और इसके फंडामेंटल्स भी काफी पॉजिटिव है। 250 के सीमेंट सेक्टर पर आप नजरिया बना रहे हैं तो हिडलबर्ग को एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार 4 और सेक्टर्स हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। जल्द रहें, बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सिर्फ रिजल्ट सीजन के दौरान ही नहीं, रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद भी हम यहाँ पर ताजा रिसर्च कर ले आते हैं आपके लिए और आपको बताते हैं कि कहाँ आप निवेश और मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए अगला सेक्टर देखते हैं, सेक्टर है एफएमसीजी और इससे जुड़ी सारी जानकारी देवांशी के पास है। देवांशी, बताएं, इस तिमाही एफएमसीजी स्पेस का प्रदर्शन कैसा रहा? बिल्कुल मानसी, आप देखिए, सबसे पहले तो जो उम्मीदें थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी, क्योंकि जिस तरह से लिक्विडिटी की चिंताएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में, हमने देखा कि बहुत ज्यादा धीमापन है और इसके चलते जो उम्मीदें थी नतीजों से वो बहुत
ज्यादा कम रही है और इनलाइन रिजल्ट्स काफी कंपनीज के आते हुए दिखे। जो हाईलाइट रहे वो तीन कंपनीज रही, एचयूएल, ब्रिटानिया, जिनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी आती हुई दिखी थी, शानदार आती हुई दिखी थी, कमेंट्री में बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी। और साथ ही आप देखिए टाइटन, सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मर टाइटन आता हुआ दिखा, क्योंकि यहां पे कमेंट्री जो थी वो थोड़ी सी कमजोर आती हुई दिखी थी, उन्होंने जो अपनी गाइडेंस है वो भी घटाई है और इसी के चलते आप देखिए टाइटन भी फोकस में था। इसके अलावा काफी ऐसी कंपनीज थी जैसे कि आईटीसी थी, कोलगेट थी, इन्होंने बहुत ही इनलाइन प्रदर्शन दिया इस बार। साथ ही आप देखिए दो चीजों का इम्पैक्ट इस बार एफएमसीजी कंपनीज पर हुआ, एक तो जो कच्चे माल की लागत है कुछ कंपनीज पर मार्जिन थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे इसी के चलते, और साथ ही जो टैक्स बेनिफिट काफी कंपनीज को मिलता हुआ दिखा है इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वॉल्यूम आते हुए नहीं दिखे, लेकिन जो रिटेल साइड है जैसे कि ट्रेंड का जो मुनाफा है वो काफी ज्यादा शानदार आता हुआ दिखा। रिटेल का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा था, लेकिन अगर ओवरऑल एफएमसीजी कंपनीज की बात करें जहां पे रूरल एरिया पर ज्यादा फोकस था वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरप्राइजिंग वॉल्यूम्स आते हुए दिखे थे। बिल्कुल संदीप जी, ज्यादातर कंपनियों के नतीजे सुस्ती ही दिखा रहे हैं, लिक्विडिटी एक बड़ी समस्या रही इस सेक्टर के लिए। एफएमसीजी सेक्टर का प्रदर्शन आप कैसे देखते हैं और कहीं निवेश का अगर नजरिया बनाना है तो फिर राय क्या होगी? नहीं बिल्कुल, निवेश का नजरिया तो बना हुआ और मुझे लगता है कि ये सदाबहार सेक्टर है, इसमें तो इन्वेस्टेड रहना ही है और डिफेंसिव भी, और प्लस जिस तरीके से कुछ कंपनियों ने अच्छा सरप्राइज भी दिया है, एचयूएल, ब्रिटानिया अच्छे लगे और डाबर भी अच्छे रिजल्ट्स दिए थे, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि आईटीसी के साथ जाना चाहिए क्योंकि जहां पे बहुत बड़ा करेक्शन, वैसे अंडर परफॉर्मेंस देखा है, वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं, काफी बार रिकमेंड कर चुका, मुझे लगता है कि डाउनसाइड रिस्क चूंकि बहुत कम है इस स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए और ये धीरे धीरे मूव देता है और मेरे हिसाब से 290-300 के टारगेट्स भी अगर अचीव कर लेता है तो बहुत अच्छा रिटर्न्स बैठता है विद गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो मेरी तरफ से आईटीसी इज द बेस्ट बेट इन द सेक्टर। चलिए, तो बिल्कुल एफएमसीजी स्पेस में अगर आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं तो आईटीसी पर एक बार इस स्टॉक को रिव्यू कीजिए, 290 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए यहां पर आप निवेश का नजरिया बनाकर चल सकते हैं। अगला सेक्टर है तेल गैस सेक्टर, और आपको बता दें कि ठीक मेटल सेक्टर की तरह ही ग्लोबल बाजार से जुड़ी जो खबरें आती हैं, ग्लोबल बाजार से जुड़ी अनिश्चितताएं होती है उसका सीधा असर इस सेक्टर पर भी पड़ता हुआ दिखता है। दीपांशु, कैसे देखे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के नतीजों को? मिले जुले ही रहे और जैसा कि आपने कहा ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से भी काफी फर्क पड़ा इस बार। अगर देखें तो फिर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो उनका कोर ऑयल एंड गैस बिजनेस है वो, और जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इन दोनों से नतीजे अच्छे ही रहे। एक और बात है जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के फेवर में थी वो था कि स्पॉट एलएनजी के दाम काफी गिरे थे, तो उसकी वजह से जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एमजीएल और आईजीएल उन्हें भी काफी फायदा मिला। पर दूसरी तरफ आप अगर देखें तो ओएनजीसी, गैस अथॉरिटी और जो तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वहां से नतीजे काफी कमजोर रहे, एक तो इन्वेंट्री और दूसरा फॉरेक्स लॉस, इन दोनों की वजह से बैलेंस शीट पर काफी असर पड़ा। अगर इंडिविजुअल कंपनीज की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा रिलायंस जो कोर बिजनेस था उनका अच्छा रहा इस बार, ओएनजीसी के नतीजे खराब रहे, वहीं तीनों ओएमसीज के नतीजे भी काफी खराब रहे इस बार, गैस अथॉरिटी के नतीजों से भी कुछ ज्यादा अच्छी अर्निंग्स देखने को नहीं मिली, ऑयल इंडिया के अनुमान मुताबिक थे नतीजे, पर जो गैस कंपनीज हैं पेट्रोनेट एलएनजी और फिर एमजीएल और आईजीएल, इन तीनों के ही नतीजे काफी अच्छे थे, गुजरात गैस के भी नतीजे अच्छे थे और एक डबल अपग्रेड भी आया था इस पर, और ईआईएल है उसके नतीजे थोड़े कमजोर थे। बिल्कुल संदीप, देखिए ट्रेड डील से जुड़ी अनिश्चितताएं इस पूरी तिमाही के दौरान रही जिसका सीधा असर हमने क्रूड प्राइसेस पर भी देखा, कैसे समझे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के नंबर्स को? देखिए ओएमसीज पे तो बहुत ज्यादा भरोसा नहीं आता, बट ठीक है बीपीसीएल काफी उसमें रहा, न्यूज में रहा बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट न्यूज, बट ओवरऑल पूरे अगर ऑयल एंड गैस की बात करें तो मुझे जो गैस वर्ल्ड है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है और वहां पे जो जीएमसीज है वो बहुत अच्छा कर रही है, और जैसा बहुत सही कहा कि जो सिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां है जहां पे स्पॉट एलएनजी प्राइसेस नीचे आने से और बहुत अच्छा उनको फायदा पहुंचा, और मुझे लगता है कि आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस ये तीनों ही बेहतरीन लगती है, बट आईजीएल और एमजीएल में काफी देखिए वैल्यूएशन गैप है, हालांकि वो क्वालिटी कंपनी है, पायनियर है और काफी अच्छा कर रही है और आउट परफॉर्म किया है, बट मैं एमजीएल के ऊपर ध्यान देना चाहूंगा, मुझे लगता है कि एमजीएल एक अच्छा पिक के हिसाब से सामने आया और बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए, 1030 के लगभग भाव है, मुझे लगता है कि 1250 तक के टारगेट आने वाले कुछ महीनों में ये दिखा सकता है या क्वार्टर्स में, जो वैल्यूएशन वो बहुत सस्ते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया लगता है, अगर पिछले कुछ महीनों की अगर साल की ग्रोथ देखें, 3 साल की प्रॉफिट का अगर, तो 32.5% है, जीरो डेट कंपनी है, सरकार बहुत ज्यादा फोकस्ड है इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर और आने वाले दिनों में और भी कई फेवरेबल पॉलिसीज इस सेक्टर के लिए आएगी, तो मेरे हिसाब से तो ऑयल एंड गैस में गैस के साथ जाए ज्यादा बेहतर है, दैट इज एक्चुअली।
बिल्कुल, तो चलिए अगर ऑयल एंड गैस में अगर आप कहीं निवेश का नजरिया बना रहे हैं तो फिर आईजीएल एक स्टॉक है, महानगर गैस है, 1220 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए यहां पर निवेश कर सकते हैं। आप सीधा बात करते हैं फार्मा स्पेस की। सृष्टि, यूएस ग्रोथ एक बहुत बड़ा ट्रिगर है फार्मा क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए, इस तिमाही नतीजे कैसे देखें? तो पूरे फार्मा सेक्टर की बात करें तो यहां पर नतीजे इस बार काफी मिले जुले जो है देखने को मिले। अगर हम देखें तो यहां पर जो एमएनसीज हैं उनको कॉर्पोरेट टैक्स कटौती के चलते जो है काफी फायदा मिला क्योंकि उनका पूरा कारोबार भारत में है। पर वहीं अगर हम घरेलू कंपनियों की बात करें तो यूएस में जो कारोबार है वहां पे कोई ज्यादा अच्छी बढ़त नहीं देखी गई, बजाय इसके कि इन सभी कंपनियों ने घरेलू बाजार में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। हम ये भी कह सकते हैं कि इस तिमाही दिग्गज कंपनियों के मुकाबले जो स्मॉल और मिड कैप कंपनीज हैं उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। आप देखिए सिप्ला, टोरेंट फार्मा, ग्लेनमार्क, इप्का लैब्स, ये सारी कंपनियों ने अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए। और वहीं जैसे डॉक्टर रेड्डीज, लूपिन और कैडिला, इन सबने वन टाइम लॉस के चलते इनके जो अनुमान है अनुमान के काफी खराब नतीजे उन्होंने पेश किए। अगर हम पूरे हेल्थ सेक्टर की बात करें तो इस तिमाही फार्मा कंपनियों के मुकाबले जो हेल्थ केयर यानी फार्मेसी, हॉस्पिटल्स और पैथोलॉजी से जुड़ी जो कंपनियां हैं उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। अपोलो हॉस्पिटल्स, नारायण हृदयालय, सुविन लैब, शालबी, डॉक्टर लाल, इन सबके नतीजे काफी शानदार रहे। और वहीं औरोबिंदो और सन फार्मा कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके नतीजे अनुमान के एकदम मुताबिक देखने को मिले। ओके संदीप, यूएस से तो ग्रोथ के ट्रेंड्स कम ही दिख रहे हैं लेकिन क्या सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट्स फार्मा क्षेत्र को संभालेंगे? या बिल्कुल, सबसे बड़ी जो तलवार है वो है यूएस एफडीए की तलवार जो इस सेक्टर पे लटकी हुई है और कई बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए सन फार्मा हो या औरोबिंदो हो सब उसके पीड़ित है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो पिछले कई दिनों में अपने चैनल पे जो मैंने स्टॉक्स रेकमेंड किए थे इप्का, सुवेन लाइफ, सैनोफी, मैं इनके साथ ही जाना चाहूंगा और ये जबरदस्त आउट परफॉर्मर रहे हैं। तो सुवेन लाइफ ऑलरेडी आज चला हुआ है तो इसलिए मैंने इसको सेकंड चॉइस में रखा है और सैनोफी है, सैनोफी देख सकते हैं जो 6500 के लगभग चल रहा है और मुझे लगता है 7500 रुपए के टारगेट आने वाले दिनों में दिखाएगा। और बाकी जो पैथोलॉजी वाली कंपनियां हैं, हेल्थ केयर वाली कंपनियां, वो आउट परफॉर्म कर रही है फार्मा कंपनीज को। डॉक्टर लाल पैथले और थायरो केयर और मेट्रोपॉलिस, तीनों पे नजरें बनाए रख सकते हैं। ठीक है, फार्मा स्पेस में सनोफी टॉपिक टारगेट 7500 का ध्यान में रख सकते हैं। तो भरपूर एक्शन जी बिजनेस पर रिजल्ट सीजन के दौरान तो आपने देखा ही, लेकिन जैसे ही रिजल्ट सीजन खत्म हुआ हमने ये पूरे रिजल्ट सीजन का मुआयना किया और डिटेल में आपको बताया कि तमाम सेक्टर के रिजल्ट कैसे रहे और वहां पर किन स्टॉक पे निवेश का नजरिया आप फिलहाल बनाकर चल सकते हैं। संदीप जी, तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया और मेरी पूरी रिसर्च टीम का भी शुक्रिया ये तमाम सेक्टर और उससे जुड़ी तमाम डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत लेकिन आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं मार्केट रडार, बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।